सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोले कैल्सीफेरॉल के बारे में। इसके क्या फायदे हैं, कैसे आपको लेना है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी जानकारी जो है आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो ये जो कोले कैल्सीफेरॉल है बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे कि ये जो है मेरे पास डी राइज का है जो कि यूएसवी कंपनी वालों का है, और ये जो है 33 रुपये 54 पैसे में एक से आता है। मतलब आप बोल सकते हो एक पाउच आता है जिसके अंदर जो है 1 ग्राम जो है आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये जो है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स इसमें जो है कोलियो कैल्सीफेरॉल मिल जाता है एक सेसे में। तो ये और भी कंपनियों का आता है, जैसे कि सिपकेल D3 जो कि सिप्ला की कंपनी है, और इसके प्राइस के बारे में बात करूँ तो एक सेसे जो है आपका 36 रुपये 30 पैसे में आता है। तो प्राइस दोस्तों समय के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो कोले कैल्सीफेरॉल है ये विटामिन D3 ही है। आप इसको कोले कैल्सीफेरॉल बोल सकते हो, आप इसको विटामिन D3 भी बोल सकते हो। तो दोस्तों ये खरीदना कहाँ से है, तो कोई भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसको जो है आप ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे मंगा सकते हो डिस्काउंट के साथ। तो एक बार जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोले कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D3 है, या फिर आप इसको विटामिन D भी बोल सकते हो। अब ये भाई जो विटामिन D होता है ये हमको जनरली सनलाइट से मिलता है, धूप से मिलता है, ये तो आपको पता होगा। इसकी कमी कब होती है, जो लोग ज़्यादा धूप में नहीं निकलते हैं, बहुत कम जो है निकलते हैं, तो उनको जो है विटामिन D3 की जो है कमी होने की जो है पॉसिबिलिटीज पड़ जाती है। अब जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो उससे भी जो है हमको विटामिन D3 मिलता है। सनलाइट तो एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक फ्री का सोर्स है, लेकिन इसके अलावा हमको खाने से भी विटामिन D3 मिलता है। और अब ये कैसे विटामिन D3 जो है बनता है, या फिर मैं बोल दूँ हमको मिलता है, तो ये स्किन द्वारा जो है बनाया जाता है विटामिन D3। अब प्रोसेस होती क्या है, जो सनलाइट होती है, जो धूप होती है, उसमें जो है यूवी रेज जो होती है वो हमारी स्किन पर पड़ती हैं। जब हमारी स्किन पर वो पड़ती हैं तो जो स्किन के सेल्स होते हैं ना, और जो सेल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो है विटामिन D3 बनाता है। कुछ इस प्रकार की जो है दोस्तों प्रोसेस होती है विटामिन D3 बनने की। अब दोस्तों कैल्शियम हम लेते हैं, लेकिन भाई फिर भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको विटामिन D3 नहीं मिल रहा है। तो विटामिन D3 जो है एब्जॉर्प्शन का काम करती है, मतलब कैल्शियम को आपकी बॉडी में ही स्टोर रहने देती है। कुछ इस प्रकार का जो है विटामिन D3 का काम होता है। भले ही आप कितना भी कैल्शियम लो, लेकिन अगर आप में फिर भी कैल्शियम की कमी है तो समझ जाइए कि विटामिन D3 जो है आप नहीं ले रहे हैं सही से। तो दोस्तों ये जो विटामिन D3 है, जैसे कि मैंने बताया, खाने से भी मिल जाता है, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको अच्छा खासा विटामिन D3 कैल्शियम मिलता है, क्योंकि नॉन वेज में जो है अच्छा खासा जो है विटामिन D3 होता है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन जैसे कि आप चीज़ लेते हो, या सोया मिल्क लेते हो, मशरूम लेते हो, ऑरेंज जूस लेते हो, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन D3 का। अब भाई सबसे अच्छा सोर्स तो देखिए ये है कि भाई सनलाइट, धूप फ्री की है, ना कोई पैसा लगना है। तो कम से कम जो है 10-15 मिनट जो है आप धूप डेली लीजिए, अगर आपको विटामिन D3 अच्छे से चाहिए, या फिर आपको कुछ कमी है तो। और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो बोला ही जाता है कि भाई कुछ देर जो है उनको धूप में रखिए, जिसमें कि उनको विटामिन D3 मिल सके। और दोस्तों विटामिन D3 जो है आपका बोन, जैसे कि आपकी हड्डी जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी मदद करता है, आपके जो है दांत वगैरह मजबूत करता है। और इसके अलावा अगर विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो हो सकता है कि हाई BP थोड़ा बहुत हो जाए, BP बढ़ जाए आपका, स्किन ड्राई होने लगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम हो जाए, और या फिर आप जल्दी जल्दी थक जाते हैं, आप में एनर्जी की कमी महसूस होती होगी, या फिर आपके जॉइंट्स वगैरह पेन करने लगते हैं। तो इस टाइप की जो है बीमारियां होने लगती हैं अगर विटामिन D3 की कमी है तो। तो दोस्तों आपको इसके फायदे के बारे में पता लग गया, लेकिन आप इसको लेना कैसे, इस सेसे को कैसे लेना होता है, तो देखिए एक सेसे जो कि 1 ग्राम का होता है उसको हफ्ते में एक बार लेना होता है। चाहे वो आप संडे लीजिए, मंडे लीजिए, आप एक दिन बना लीजिए, जैसे संडे बना लिया तो हफ्ते में एक दिन लेना है, और दूध के साथ लेना होता है। तो दूध दोस्तों आप आधी गिलास दूध ले सकते हो, या फिर अगर आपको दूध से एलर्जी है तो पानी में घोल के ले सकते हो, आधी गिलास जो है या आधे कप पानी में घोल के ले लीजिए इस प्रकार से। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा दूध के साथ लीजिए, डॉक्टर भी प्रेफर करते हैं कि दूध के साथ इसको लो। अब भाई ये कब तक लेना है, तो देखिए एक हफ्ते में एक बार लेना होता है, तो इस प्रकार से आपको 2 महीने तक लेना होता है।
2 महीने के बाद आप इसको मत लीजिए, और 2 महीने बाद अगर आपको लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हाँ, 2 महीने के बाद अगर आपको कोई बीमारी होती है, अगर आपको डॉक्टर कहते हैं बहुत ज़्यादा विटामिन D3 की कमी है, तो वो 2 महीने के बाद भी आपको लेना होता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन मैं इसको 2 महीने तक ले सकता हूँ जिसमें कि मुझे विटामिन D3 की भाई कमी ना हो और मेरी हड्डियाँ वगैरह मजबूत हो जाएँ। तो इस प्रकार से नॉर्मल पर्सन 2 महीने तक ले सकता है। अब मेल फीमेल कोई भी ले सकता है और बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और बाकी प्रेग्नेंट लेडी इसको बिल्कुल ले सकती हैं। तो दोस्तों, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, आपने देखा होगा कि कैप्सूल भी आती है, इनकी टैबलेट भी आती है विटामिन D3 की, आपके मन में बात आ रही होगी। लेकिन ग्रेन्यूल्स क्यों? क्योंकि ग्रेन्यूल्स दोस्तों आजकल इसलिए ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ग्रेन्यूल्स का जो अफेक्ट होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए रहता है, और अच्छा खासा जो है विटामिन D3 एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ग्रेन्यूल्स ज़्यादा चल रहे हैं। आप इसको पाउडर भी बोल सकते हैं, कई लोग इसको पाउडर बोलते हैं। तो ये सेसे जो पाउच जो आता है, ये आप जो है ज़रूर लेकर देखें, आपको अच्छा खासा जो है विटामिन D3 मिलेगा। अब दोस्तों, इधर बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो देखिए, साइड इफेक्ट तो वैसे इसका नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या फिर जो है आपकी किडनी में स्टोन है, तो आप जो है एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें तभी इसको लें। और अगर इसको लेने के बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर शरीर में ईचिंग या खुजली टाइप का ऐसे होने लगता है या मसल्स पेन, बोन पेन, कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये जो है कोले कैल्सीफेरॉल जो है लेना बंद कर सकते हो और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा इस कोले कैल्सीफेरॉल के बारे में, या फिर बोल दो विटामिन D3 के बारे में। लेकिन अभी भी कोई डाउट है आपको, तो आप जो है मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और इस टाइप से अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।